देखिए नहीं बोलोगी। मैं डायरी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, इसकी वजह से मैंने अपनी पूरी सारी अलमारी जो है उलट दी, और मैंने कितनी जगह ढूंढ डाली, 3-4 दफा उसको उस जगहों को देखा, और मिली कहाँ? ये बेड में खाना बना है, इसके अंदर अटैची में मिली मुझको। ये देखिए, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, और मैं मुस्तकिल यही दुआ पढ़े जा रही थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो मुझे मिल गई अल्लाह के शुक्र से, अल्हम्दुलिल्लाह। थक गई मैं ढूंढते ढूंढते। सलाम अलैकुम, आदाब और बच्चों को मेरा प्यार, आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद और स्वागत। आज का दिन का आज फजर की नमाज से हुआ ऑब्वियसली। अब मैं जा रही हूँ किचन में। आज मैंने अपने लिए दूध वाली कॉफ़ी बनाई है, और पानी वाली पीते पीते मेरे जी उब गया था। अच्छी वो पानी वाली मुझे अच्छी नहीं लगती, ज़बरदस्ती पीती हूँ, तो आज मैं अपनी दूध वाली कॉफ़ी पीने जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए और आगे देखते रहिए क्या क्या होने वाला है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी मशीन ख़राब हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स हो गई। उसका मोटर जो था वो ख़राब हो गया था, तो वो फिक्स हो गई है, अब ड्रेन भी करने लगी है, मेरे कपड़े भी जो है दो मशीन चल चुके हैं। आज तो कल से भी बुरा हाल लग रहा है कमरे का। चलिए साफ करते हैं, और ये कपड़े भी जो है हटा देंगे जो आपने वीडियो के शुरू में देखा था, इन कपड़ों को भी अलमारी में लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं ठीक करना इन कपड़ों को। ये काली वाली बेल्ट जो अभी दिखाई थी मैंने मैमल फिट की थी, और ये मैंने एक्सरसाइज करते हुए पेट पे लगाने के लिए मंगाई थी। तो थोड़े दिन तो एक्सरसाइज हुई, फिर उसके बाद सब छूट उठ गया, अब कुछ नहीं होता है। कितना सोचती हूँ करूँगी करूँगी, हिम्मत ही नहीं पड़ती है, मगर इंशाल्लाह मैं फिर से शुरू करूँगी एक्सरसाइज करना। और ये मेरे थोड़े से फैंसी कपड़े थे जो कि गर्मियों में पहने नहीं जाते हैं, जाड़ों में पहन लेती हूँ मैं। कपड़े सब सेट बना के रख दिए हैं, अब चलिए इनको अलमारी में लगाया जाए। ये दो खाने जिनमें मैं अपने कपड़े सेट कर दूँगी, एक में गर्मियों के रख दूँगी और एक में जाड़ों में पहनने वाले। और इधर देखिए ये दोनों उड़ गई हैं, अब इनको नाश्ता दिया जाएगा। फिर याद आया कि दूध तो था ही नहीं घर में, ख़त्म हो चुका है, तो दूध मंगवाया। उसके बाद तब तक ही मैंने सोचा लाओ मैं ये अलमारी ठीक कर लूँ। तो ये हो गई मेरी अलमारी सेट। ये नीचे मैंने सारे जाड़ों के कपड़े रख दिए हैं जो पहनने वाले हैं जाड़ों के, ऊपर मैंने समर के लगा दिए हैं, और इस तरफ मैंने अपने स्वेटर्स और शॉल, एक दो शॉल हैं बाकी सब स्वेटर्स वो लगा दिए हैं। चलिए अब ये बेड साफ कर लेंगे। आज जुमे का दिन था, तो मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि मम्मा आप ये वाला कपड़ा पहन लीजिए, इसके ऊपर भी कढ़ाई है, आस्तीन पे भी बहुत खूबसूरत कढ़ाई थी, और पीछे के हिस्से में ऊपर भी कढ़ाई थी, वो ठीक से दिखा नहीं इसमें। फिर मेरी बेटी ने थोड़ी मदद करी मेरी कमरा साफ करने में, उसके बाद दोनों चली गई ब्रश करने और मुंह हाथ धुलने के लिए, और मैंने अपना रूम साफ किया। इस बीच दूध भी आ गया था, लेकिन मुझे साफ़ सुथरा कमरा अच्छा लगता है, नाश्ता करने से पहले एक टेंशन भी ख़त्म हो जाती है कि कमरा साफ़ करना है। उसके बाद दोनों मैंने अपनी बातें करने लगी, फिर मुझे बड़ी बेटी आके बताने लगी कि जो है ये बेड जो है रात में बिल्कुल साफ़ था, छोटी ने इसको गंदा कर दिया। और फिर इसके बाद ये दोनों इस बेड पे खेलने लगी, और मेरा बेड साफ हो गया।
अब चलते हैं किचन में। दूध उबालने के लिए। ये मेरे दूध की थैली आ गई और ब्रेड आ गया। चलिए चलते हैं। मैं खाने जा रही हूँ ये फ्रूट्स। दूध मेरा उबल रहा है और मुझे लग रही है भूख। मैं ये फ्रूट्स खाने जा रही हूँ। अपना कोट उतार दिया गया है और मेरा दुपट्टा पहन के बुरा मुंह लपेट लिया गया है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अचारी चिकन। बिल्कुल सिंपल सा है और क्योंकि हम थोड़ा सा बनाऊंगी क्योंकि सिर्फ हम तीन है खाने के लिए, तो पहले तेल डाल दिया हमने गरम करने के लिए। उसमें आधी आंडी प्याज डाल दी काट के, और जब वो प्याज भुन गई तो उसमें डेढ़ आंडी प्याज पिसी हुई डाल दी, और एक टमाटर पीस लिया वो भी डाल दिया, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और फिर उसके बाद हमने अपने सूखे मसाले डाले जो कि एक चम्मच अचार मसाला था, आधा चम्मच नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी। आप अगर मिर्चा भी डालना चाहें तो डालिए, मैंने नहीं इस्तेमाल किया मिर्चा इसमें। उसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे और इसमें हम अपने चिकन पीसेस डाल देंगे। फिर चौथाई कप दही डाला फिटा हुआ, उसके बाद डाला आधा चम्मच गरम मसाला और चुटकी भर मेथी का दाना और कलौंजी, और फिर डाल दिया एक कप छोटा पानी। उसके बाद कुकर बंद कर दिया और दो सीटी में आपका चिकन हो जाएगा। और ये हमारा अचारी चिकन रेडी है। यहाँ पर शकरकंद उबलने वाले हैं। धनिया से गार्निश कर दीजिए और ये आपका चिकन अचारी चिकन रेडी है खाने के लिए। आप कहाँ जा रही हैं? जा सकती हूँ। ओके थैंक यू। आप कहाँ जा रही हैं? मैं यू लुकिंग वेरी प्रिटी माशाल्लाह बेबी। हाय व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रही हैं? बाय। अंडा ऐसे खाया है, ये जल्दी अलग से निकाल कर बच्चा गिरा। सब तरफ लगी उसको, चेहरा सब तरफ। अच्छा लिपस्टिक सब तरफ लगी। बच्चे चप्पल कहाँ है आपकी? सॉक्स में बहुत स्लिपरी होते हैं ये सॉक्स, ऐसे दौड़ती हो। चप्पल बन भागा करो। चप्पल सामने रखी है तुम्हारी, छुपाने की कोशिश। अम्मा छुपा नहीं, निकाल लो भैया निकाल लो, ये रही तुम्हारी चप्पल। बच्चे हाँ बताइए कहाँ लगी आपके? यहाँ। यहाँ पे लग गई? यहाँ यहाँ। वो रेनबो का जो है किसी दिन ठीक करो उसको, या तो हटा दो वहां से, वो जो है स्कॉच टेप से चिपक ही नहीं रहा है रेनबो, तो हटाओ फिर, उतना काट ही दो, उसका कोई जुगाड़ करो, खराब लग रहा है। ये खाओ प्लीज। झूला बैठी आप? बोरे ओरे रु 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 कोई गिर ना जाना बच्चे। और ये मैं इनको दवाई पिला रही हूँ, इनकी विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी मैं आपको उसके बेनिफिट्स बताती हूँ। जाड़ों में सिंगाड़े खाने का मजा ही कुछ और है। वाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है सब नेमतों का। मम्मी
कब गई थी मम्मी घूमने? मास्क पहन के चले गए घूमने मम्मा? आप आ रही है। फिर मैं आ गई। तुम अपना मोबाइल देख रही थी? मैं तो रो रहे थे। फिर क्या हुआ? आप नीचे, तुम नीचे आ रही। मैं घूम के नीचे आ गई फिर। हाँ। जल्दी आ गई थी ना? ड्रेस लेके। ठीक। अब तो आप हैप्पी है? मम्मा आ गई। देखिए नहीं बोलोगी? अरे मैं रो लूंगी। खाना खाने जा रही हो? अच्छा क्या खाओगी खाने में आज? रोटी खाओगी और सब्जी? चोबी क्या? दिखा रही हो? दिखाओ। सॉस? अच्छा रोटी और सॉस का, ठीक है। ये रोटी है? ओके। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मा सलामा।